तो आकांक्षा दुबे मामले में लगातार अपडेट पर अपडेट आ रहे हैं, जहां एक तरफ खबर आ रही है कि आरोपी समर सिंह और उसके भाई संजय सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है, वहीं दोनों के देश से फरार होने की खबरें भी आ रही हैं और सामने आ रहा है कि कोई बड़ा पॉलिटिशियन दोनों को भगाने में मदद कर रहा है। वहीं सबसे बड़ी अपडेट एक और सीसीटीवी फुटेज को लेकर आ रही है। जी हाँ, होटल वाली सीसीटीवी के बाद उस पार्टी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है जिसमें आकांक्षा दुबे आखिरी बार गई थी और उस पार्टी से लौटकर आकांक्षा के साथ वो सब कुछ हुआ और सबसे बड़ा खुलासा पुलिस की तरफ से किया गया है और वो ये है कि पार्टी के बाद आकांक्षा के साथ समर सिंह और उसके भाई संजय सिंह ने भयंकर लड़ाई भी की थी। तो आखिर क्या है इस नए सीसीटीवी में और कौन सा राजनेता कर रहा है समर सिंह की मदद और आकांक्षा से क्यों लड़ रहा था समर सिंह, आपको बताते हैं सब। आप भी आकांक्षा मामले में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और जस्टिस फॉर आकांक्षा जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि आकांक्षा दुबे को इंसाफ मिलने में मदद मिल सके। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने, हमारी ताकत बने। तो 5 दिन बाद भी पुलिस के हाथ पूरी तरह खाली है दोस्तों। पुलिस ना तो समर सिंह को पकड़ पाई है और ना ही उसके भाई को। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इतनी स्लो चल रही है कि आरोपियों को देश के बाहर फरार होने का मौका मिल गया। खबर आ रही है कि समर सिंह अपने भाई के साथ नेपाल भाग गया और नेपाल से उसके तिब्बत होते हुए चीन भागने की खबरें आ रही हैं। और अगर ये खबरें सच हैं तो आरोपियों का पकड़ना उतना ही मुश्किल हो जाएगा जितना आसमान से तारे तोड़कर लाना। वहीं सामने आया कि पुलिस ने दोनों आरोपी भाइयों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है और नेपाल पुलिस की मदद भी इस मामले में ली जा रही है। ये सारी अपडेट आ रही है। इसी बीच रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि समर सिंह कोई इतना बड़ा आदमी नहीं है कि वो यूपी पुलिस को चकमा देकर विदेश भाग जाए। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि आकांक्षा दुबे मामले में नाम आने के बाद यूपी का एक बड़ा राजनेता समर सिंह की मदद कर रहा है और उसी की मदद से समर सिंह और उसका भाई संजय सिंह फरार होने में कामयाब हो पाए हैं। क्योंकि अब लगभग क्लियर हो चुका है कि आकांक्षा दुबे की मौत के पीछे समर सिंह और उसके भाई का ही हाथ है, क्योंकि अब तो सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हाथ लग गया है जिसका इंतजार हर किसी को था। दरअसल होटल वाले सीसीटीवी के बाद अब पार्टी वाला सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है और इसके सामने आते ही एक बार फिर से भूचाल आ गया है और ये साफ हो गया है कि पार्टी में ऐसा कुछ हुआ था जिसके बाद दोनों आरोपी भाई आकांक्षा से बुरी तरह लड़ पड़े थे। पुलिस की माने तो आकांक्षा के फोन से कई ऐसे बड़े सबूत मिले हैं जिससे साफ हो गया कि आकांक्षा मौत से ठीक पहले समर सिंह और संजय सिंह के कांटेक्ट में थी। जी हाँ, पुलिस की माने तो आकांक्षा ने अपनी मौत से ठीक पहले समर सिंह को कॉल किया था, दोनों की काफी देर तक बात हुई थी। आकांक्षा को इससे पहले समर के भाई संजय सिंह का भी कॉल आया था। पुलिस की माने तो आकांक्षा के मोबाइल से लास्ट व्हाट्सएप चैट भी मिली है जो कि आकांक्षा समर सिंह और संजय सिंह के साथ कर रही थी और उस व्हाट्सएप चैट से पता चला है कि समर सिंह और संजय सिंह आकांक्षा को किसी बात के लिए बुरी तरह धमका रहे थे। आकांक्षा पर दोनों बुरी तरह हावी थे और आकांक्षा को बेहद गंदी भाषा में पटकार रहे थे। आकांक्षा बार बार सॉरी बोल रही थी मगर दोनों उसे लगातार गंदे गंदे मैसेजेस कर धमका रहे थे, पटकार रहे थे। अब इस चैट के बाद क्या हुआ ये किसी को नहीं पता, मगर पुलिस सूत्रों की माने तो पुलिस के हाथ होटल की जो सीसीटीवी लगे हैं उसमें भी साफ दिख रहा है कि समर सिंह और संजय सिंह आकांक्षा से लड़ रहे हैं, हाथों और उंगलियों के इशारे करके उसे डांट रहे हैं। एक फुटेज में तो समर सिंह आकांक्षा को धक्के देते हुए भी दिखाई दे रहा है और आकांक्षा बुरी तरह रोती हुई नजर आ रही है। तो आखिर समर सिंह आकांक्षा के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा था, ये बड़ा सवाल है। अब होटल की सीसीटीवी में आकांक्षा बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, कहीं से भी नहीं लग रहा था कि आकांक्षा को उस फाइट से कोई फर्क पड़ा था और वो इतना बड़ा कदम उठा सकती हैं। ऐसा आकांक्षा को देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था क्योंकि कोई परेशान होता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है, मगर होटल की फुटेज में आकांक्षा बिल्कुल नॉर्मल और कॉन्फिडेंट दिख रही थी। तो ये तो साफ हो चुका है कि आकांक्षा ने खुद को नहीं मारा, क्योंकि वैसे भी बैठे बैठे तो कोई खुद को पंधे पर लटका नहीं सकता, ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं। और आकांक्षा की माँ मधु दुबे भी बार बार यही सवाल उठा रही हैं कि आखिर कैसे बैठे बैठे सिटिंग पोजीशन में आकांक्षा फंदे से लटक सकती हैं। तो फिर हुआ क्या है, कैसे आकांक्षा की मौत हुई, क्या आकांक्षा के होटल पहुँचने से पहले ही कमरे में कोई और भी मौजूद था, बाहर आवाज ना आ सके इसके लिए वॉशरूम के अंदर नल किसने खोले, हंसती खेलती एक्ट्रेस की जान किसने ली, इसका खुलासा होना चाहिए और आकांक्षा की मौत को इंसाफ मिलना चाहिए, वरना एक एक कर ऐसे ही कलाकार मारे जाते रहेंगे। सुशांत सिंह राजपूत, तुनिशा शर्मा, दिव्या भारती, जिया खान और अब आकांक्षा दुबे। तो आपका इस पूरे घटनाक्रम पर, इस पूरे अपडेट पर क्या कहना है, कौन नेता समर सिंह को भगा रहा है, समर सिंह आकांक्षा से पार्टी में क्यों लड़ रहा था और क्या होटल के रूम नंबर 105 में आकांक्षा और संदीप सिंह के अलावा कोई तीसरा शख्स भी मौजूद था।
आपको क्या लगता है? आप भी अपनी बात अपनी राय कमेंट में जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं और चैनल के साथ जुड़कर चैनल की आवाज बने। तो 4 दिन बाद आकांक्षा के फोन अनलॉक हो जाने के बाद जो बड़े सबूत सामने आए हैं उसे सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। आकांक्षा का फोन खुलते ही सबसे पहले जो चेक किया गया वो आकांक्षा का कॉल लॉक था। वैसे तो फोन की कॉल डिटेल कंपनी की तरफ से भी मिल गई थी, मगर हैरानी ये थी कि आकांक्षा के फोन में समर सिंह के 50 से ज्यादा मिस्ड कॉल थे। जी हाँ, ये कॉल डिटेल्स कहीं और नहीं दिखती बल्कि ये सिर्फ फोन में ही दिखती हैं, तो वो यहाँ पर दिखा है। 25 मार्च की सुबह से लेकर 25 मार्च की देर शाम तक समर सिंह के ये मिस्ड कॉल्स थे, जो कि कॉल ही थे लेकिन आकांक्षा ने फोन पिक नहीं किया था। यानी कि किसी बात को लेकर समर सिंह जबरदस्ती कर रहा होगा, किसी बात का वो दबाव बना रहा होगा और वो बात वो चीज आकांक्षा नहीं करना चाहती थी और इसीलिए समर सिंह का फोन पिक नहीं कर रही थी, समर सिंह को इग्नोर कर रही थी। 25 मार्च को ही 50 से ज्यादा मिस्ड कॉल्स के बाद आकांक्षा ने समर सिंह को कॉल बैक किया और 3 बार आकांक्षा और समर सिंह के बीच फोन पर बात हुई। 25 मार्च की शाम को 4:30 बजे के आसपास पहली कॉल हुई और करीब 10 मिनट ये बातचीत हुई और सूत्रों के मुताबिक इसके बाद ही करीब 5 बजे आकांक्षा ने कहा कि उसे एक बर्थडे पार्टी में जाना है, यानी कि समर सिंह ने आकांक्षा को जबरदस्ती उस पार्टी में बुलाया था। इसमें आकांक्षा जाना नहीं चाहती थी और समर सिंह से बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन फोन नहीं उठाया और मजबूरी में जब फोन उठाया तो जरूर समर सिंह ने किसी बात पर आकांक्षा को धमकाया होगा। उसके बाद ही आकांक्षा समर सिंह के साथ उस पार्टी में जाने को तैयार हुई होगी, ऐसी आशंका जताई जा रही है। आगे देखिए, उसके बाद करीब 6:30 बजे के आसपास फिर से समर सिंह ने आकांक्षा को कॉल किया और यहाँ पर कुल मिलाकर 2 मिनट के आसपास दोनों की बातचीत हुई। यानी कि हो सकता है यहाँ पार्टी में चलने को लेकर फाइनल कॉल किया गया हो और उसके बाद आकांक्षा उस पार्टी में गई हो और फिर उस लड़के के साथ वापस आई जो कि 17 मिनट तक आकांक्षा के रूम में रहा। और जब तक वो लड़का रूम में रहा तो उस दौरान यानी कि उस 17 मिनट तक कमरे की लाइट बंद थी, कमरे के वॉशरूम का नल चालू था जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। आगे देखिए, उसके बाद देर रात को यानी कि आकांक्षा के होटल पहुंचने की देर रात को समर सिंह ने फिर से आकांक्षा को फोन किया और इस बार बहुत लंबी बातचीत दोनों के बीच हुई और बातचीत करीब 1.5 घंटे की बताई जा रही है। करीब 93 मिनट की ये बातचीत है और ये बातचीत ठीक उस घटना से पहले ही हुई है। आकांक्षा को उस कॉल में समर सिंह ने बुरी तरह से धमकाया होगा, डराया होगा और बहुत कुछ कहा होगा, इसीलिए तो जब आकांक्षा इंस्टाग्राम पर लाइव आई तो वो लगातार रो रही थी, मुंह छिपाकर रो रही थी और काफी देर तक रोती दिखी थी। यानी कि कुछ न कुछ तो उस फोन कॉल में भी हुआ है, कुछ न कुछ तो समर सिंह ने कहा है, कुछ न कुछ तो ऐसी बात हुई है जिसके बाद ही आकांक्षा इंस्टा पर लाइव आई, बिना कुछ बोले रोने लगी और बहुत